वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने मतदान को लेकर तैयारी मुकम्मल कर ली है। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलीगढ़ में मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियों को चुनाव सामग्री दी गई, रवाना किया गया। वही प्रशासन ने चुनावी सामग्री का निरीक्षण किया। हमीरपुर में 24 वार्डो के लिए 86 मतदान केंद्र और 252 बूथ बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। महिला मतदान कर्मियों और महिला पुलिस की तैनाती की गई। बांदा की 2 नगर पालिका परिषद और 6 नगर पंचायत के चुनाव में मतदान कराने की कवायद शुरू हो गई है। शहर के मंडी समेत से नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की गई। बुलंदशहर में मतपत्रों की पोटली लेकर पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथों के लिए रवाना हुई। कासगंज में डीएम और एसपी ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मेरठ में विक्टोरिया पार्क से पोलिंग पार्टी रवाना की गई। मतदान के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेगा। वहीं मिर्जापुर की 96 सीट पर शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखने के लिए ले जाया गया। जायजा लिया हमारे सहयोगी सुशांत मुखर्जी ने। मिर्जापुर में 96 विधानसभा में वोटिंग पूरी हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि ईवीएम मशीन को अब यहां से स्ट्रांग रूम की तरफ ले जाया जा रहा है। बात की जाए वोटिंग परसेंटेज की तो वोटिंग परसेंटेज में जितनी उम्मीद थी उतनी तो नहीं, पर फिर भी वोटिंग परसेंटेज अंत में लगभग कुछ मैनेज हो गया है। यानी कि बात की जाए तो दोपहर के 2 बजे तक वोटिंग परसेंटेज जहां पर 27% था, पर शाम होते होते वोटिंग परसेंटेज में इजाफा जरूर हुआ है। अब स्ट्रांग रूम की तरफ ईवीएम को भारी सुरक्षा में ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्स है और पैरामिलिट्री फोर्स के सुरक्षा में पूरे ईवीएम मशीन को अब स्ट्रांग रूम की तरफ ले जाया जाएगा। 13 मई को जो 9 प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला होगा। क्या अपना दल इस अपनी सीट को बचाने में कामयाब होती है या फिर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस सीट को ले जाती हैं, अब ये फैसला 13 मई को साफ होगा। आप देखिए भारी सुरक्षा के बीच ईवीएम को अब बस के माध्यम से पैरामिलिट्री फोर्स के साथ स्ट्रांग रूम की तरफ ले जाया जा रहा है। 13 मई को जब निकाय चुनाव के परिणाम भी आएंगे तो उसी समय इसी विधानसभा के भी परिणाम आएंगे। भाई साहब भारी सुरक्षा में ईवीएम आप लोग लेके जा रहे हैं, आप पोलिंग एजेंट थे? जी पोलिंग एजेंट। सब कुछ संपन्न हो गया अच्छे तरीके? बड़े अच्छे ढंग से, कोई भी बात नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से सब संपन्न हुआ। तो ये बता रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो गया है और अब इंतजार रहेगा 13 मई को जब प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जनता ने क्या किया है वो साफ हो पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, मिर्जापुर। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की इस्तीफा शीट खुलेगी। पुलिस ने शाइस्ता के खिलाफ दर्ज तमाम मामलों की सूची तैयार की है। अतीक के आईएस 227 गैंग के संचालन में शाइस्ता की भूमिका को लेकर ब्यौरा जुटाया जा रहा है। शाइस्ता परवीन पर उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। शाइस्ता पर अब तक कुल 4 मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो पुलिस जुटा रही है ब्यौरा, शाइस्ता की इस्तीफा शीट खुलेगी। जिस तरीके से शाइस्ता को माफिया करार दिया गया और इसके बाद अब पुलिस ब्यौरा जुटाने में जुट गई है।